और रॉयल भी सबके साथ समान तरीके से खेलता है, रॉयल भी कोई भेदभाव नहीं करता है, और आपने देखा ही होगा कि सब एक साथ ही रहते हैं मिलजुल कर। गुड मॉर्निंग डमरू, चलो वॉक में चलते हैं अब बढ़िया तरीके से, चलो उठो, काफी देर से बैठे हो तुम, काफी आलसी भी हो तुम, और डमरी चलो तुम भी आज, तुम बहुत भाग जाती हो। अरे 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 कूद रॉयल कूद, अरे ओबी क्या कर रही है ऊपर से, पहाड़ की रानी है क्या? रॉयल पकड़ 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 ओबी को, रॉयल पकड़ 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 ओबी को, जल्दी पकड़, जल्दी 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 जल्दी, चक्कर काट रही है ओबी, तेरे को बुद्धू बना रही है, तुझे जल्दी पकड़ना पड़ेगा ओबी को। रॉयल कहाँ गया रॉयल? अच्छा हाँ ये रहा ओबी, ओबी किन पड़ी, ये देखिए गाइस ये आ गया है कल्लू नया राजा बनने के लिए पहाड़ का। अब देखते हैं, ओ ये आ गई सबसे बड़ी महारानी डमरी, डमरी चढ़ चुके हैं, और ये आ गए हैं उसके भाई डमरू जी पूरी सीन को लेने के लिए, वो नहीं चाहते हैं उनकी बहन को मिले पूरा शॉट, और ये आ गए हैं एकदम कैमरे के ऊपर, और वहां पर डब्बी चढ़ी हुई है, और रॉयल भी चढ़ चुका है फाइनली इतनी मेहनत मशक्कत के। तो गाइस ये है पूरी सेना, डमरू उधर बैठ के देख रहे हैं, कुछ तो देख रहे हैं, सब लेटे हुए हैं, इतने ढीठ लोग हैं, थोड़ा सा वॉकिंग करके पड़े आ जाते हैं, समझिएगा हमने फेंक के नहीं दिया है बिल्कुल भी, हम ऐसे भी दे देते हैं, बट ये थोड़ी सी डरपोक है, मतलब हाँ ये हमसे डरती है। और यहाँ पे ओबीजी सिस्टम बना रही है कि मैं पहले सूंघ के सारी वो चाट लेती हूँ दूध, और ये बड़े हैं दोनों मम्मी और बेटे, गली के देसी कुत्ते हैं, हमारी गली की रक्षा करते हैं, पर ये इतने जब तकलीफ में रहते हैं और तकलीफ में तड़पते रहते हैं तो जो इंसान रहते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है इनसे, और ये भी नहीं दिखता है कि ये उनकी रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसके लिए इनके लिए एक सूखी रोटी तक नहीं दे सकते हैं लोग, जो इनके घर में बच जाती है ये लोग उसे कचरे में फेंक देते हैं, पर किसी का पेट भरने के लिए बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। भले इंसान आज का इंसानियत भूल चुका है, पर इनसे थोड़ी वफादारी तो सीख ही सकता है कि ये कैसे भी कंडीशन रहे, सर्दी रहे, गर्मी हो, बारिश हो रही हो, तब भी बैठे रहेंगे घर के बाहर इसी आस में कि एक रोटी तो मिल ही जाएगी, और फिर भी लोग को लगता है कि ये लोग गंदगीले से होते हैं, ये लोग हमें काट लेंगे, और इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है इनसे, गली के कुत्ते हैं समझ के इनको, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ ही, और ये आपसे बिल्कुल भी कोई पैसा नहीं लेते हैं सुरक्षा करने के लिए, बस बाहर बैठे रहते हैं और बस एक रोटी ही चाहते हैं, बस एक रोटी तो कोई भी दे सकता है, एक रोटी तो ज़्यादा बन जाती है एक घर में, और कितनी सारी रोटियां बच जाती है और फेंक देते हैं लोग, इनके पेट में जाएंगे तो कितना फायदा हो। और ये रहे सब लोग मस्ती कर रहे हैं, डमरू भाई से मिलवाते हैं आपको, डमरू भाई आज उस तरफ देख रहे हैं, डमरू भाई उगते सूरज को देखना चाहते हैं, डमरू भाई एक विजेता की तरह जीना चाहते हैं, ये देखिए काफी स्वीट, काफी स्वीट, पता नहीं कौन सी ब्रीड की हैं ये डमरू जी हमारे, और डमरू जी की बहन भी काफी बाली ले हैं ये लोग, और भाई कल्लू कैसी हो तुम? रोटी चुरा ली रॉयल ने, और यहाँ पे काफी बहुत बड़े रोटी चोर है। रॉयल भी सबके साथ समान तरीके से खेलता है, रॉयल भी कोई भेदभाव नहीं करता है, और आप देखते ही होगा कि सब एक साथ ही रहते हैं मिलजुल कर, तो कोई भी अंतर नहीं है। और ये स्ट्रीट डॉग है, ये ब्रीड डॉग है, कोई डिफरेंस नहीं है हमारे लिए, तो सेम ही, और आप एनिमल लवर तो आप बिल्कुल भेदभाव नहीं कर सकते, प्यार करेंगे।